कंगना रनौत के बयानों से कितने खुश हैं आप? मैं क्यों खुश हूँ? अगर कोई गलत बयान देगा उसको खुश क्यों है? भाई गलत बयान अगर कोई देगा तो उसे खुश कौन हो सकता है? इमरजेंसी फिल्म भी आ रही है, गोपी को लेकर एक आरोप लगे हैं, लेटर वायरल हुआ है, उसको लेकर आपकी जांच में पिन गई वही एसपी और ये आप सरकार को देखना है कि लोगों को कैसे सेटिस्फाई करें। ये सिर्फ करने का नहीं दिखाने का भी होता है, लोगों को दिखना भी चाहिए कि फ्री और फेयर इंक्वायरी हो रही है। और अगर जिम्मेवार बाढ़ ही खेत को खाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? इस तरह की कारगुजारी जो भी होती है सख्त से सख्त व्यू लेना चाहिए सरकार को। महिलाओं की तरफ से एसपी को छुट्टी पर भेजने की तो सरकार आयोग की बात ही नहीं सुन रही, तो कैसे इसको देखो गंभीरता से लेना चाहिए। जब भी इस तरह की बातें आती हैं हम समाज को भी देख रहे हैं, सिस्टम को भी देख रहे हैं, बहुत कम मुश्किल से हिम्मत जुटा के ये बातें कई बार बहुत बाद में ऊपर आती हैं। क्या कारण है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता? बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब ऐसी बात आए सरकार को उसे बहुत ही अति गंभीरता से लेना चाहिए ताकि इंसाफ ढंग से हो सके और औरों के लिए भी एग्जांपल। मैडम उन्होंने ये बोला इलेक्ट्रोलर इस पे ऑपरेशन पर आदतन हमले से बचे। हाँ तो ये देखो इलेक्शन कमीशन एक बहुत ऊंचा दर्जा रखता है हमारे देश के सिस्टम में। जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं और आदतन ये हम एक जिम्मेवार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है जिसने जिसको लोगों ने सरकार में रहने का बहुत लंबा मौका भी दिया, जो भी बात कही जाती है कांग्रेस जिम्मेवारी से कहती है और कोई भी कहे उसे गंभीरता से इलेक्शन कमीशन ले, ये हम उम्मीद करते हैं। हम इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, करना जानते हैं, लेकिन लोकतंत्र में अगर हमें कुछ लगता है तो हम ये हमारा अधिकार है कि हम इलेक्शन कमीशन तक लेकर जाएं। और ये उनका भी फर्ज है कि हर बात को वो गंभीरता से लें, गंभीरता से लेकर अपने निष्पक्ष उस पर वो दें। ये हमारी भी उम्मीद उनसे है।